तो स्वाइन फ्लू लगातार देश भर में पैर पसार रहा है। अलग अलग राज्यों में स्वाइन फ्लू के लगातार बढ़ते मामले कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ऐसे में प्रशासन और शासन पर सवाल निशान भी लगता है। राजस्थान गुजरात के बाद यूपी में मौत बांटने लगा है स्वाइन फ्लू। कहां है सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री कृपया ध्यान दें। जी हाँ, पैर पसार रहा है मौत का वायरस। मौत के वायरस पर कैसे लगेगी लगाम? सबसे बड़े सूबे पर मंडरा रहा है सबसे बड़ा खतरा। यूपी में अब तक 163 लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में आ चुके हैं। कई लोगों की जान भी ले चुका है मौत का ये वायरस। बरेली से बलिया तक स्वाइन फ्लू का खौफ। गाजियाबाद से गाजीपुर तक स्वाइन फ्लू से हाहाकार मचा है। लखीमपुर से ललितपुर तक स्वाइन फ्लू की दहशत कायम है। शाहजहांपुर और गाजियाबाद के डीएम को भी स्वाइन फ्लू हुआ है। उन्नाव के एसपी की पत्नी को भी हुआ है स्वाइन फ्लू। महामारी बन चुका है अब ये मौत का वायरस स्वाइन फ्लू। शहर शहर स्वाइन फ्लू का सितम देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कहां है स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन। राजस्थान गुजरात के बाद अब यूपी पर मौत बांटने लगा है स्वाइन फ्लू। यूपी में लगातार स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामले चिंताजनक है। कई लोगों की जान भी ले चुका है मौत का ये वायरस। बरेली से बलिया तक स्वाइन फ्लू का खौफ है। बात करें दिल्ली से सटे नोएडा की, तो यहां स्वाइन फ्लू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नोएडा में 32 लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। यहां स्वाइन फ्लू के 96 सैंपल लिए गए थे। यहां अस्पतालों में क्या कुछ इंतजाम है जरा इसकी रियलिटी भी देख लीजिए। तो बरेली से बलिया तक स्वाइन फ्लू का खौफ लगातार बना हुआ है। वहीं अगर दिल्ली से सटे नोएडा की बात करें तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा के अस्पतालों की, किस तरीके से यहां पर इंतजाम किए गए हैं। यहां स्वाइन फ्लू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नोएडा में 32 लोगों में स्वाइन फ्लू की अब तक पुष्टि हो चुकी है। स्वाइन फ्लू के 96 सैंपल लिए गए थे। यहां अस्पतालों में इंतजामों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वार्ड तो बनाया गया है लेकिन किस तरीके से यहां पर स्वाइन फ्लू को गंभीरता से लिया जा रहा है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। क्योंकि सिर्फ नोएडा ही नहीं, अलग अलग जिलों में भी इसको लेकर लगातार लापरवाही बरती जा रही है और यही वजह है कि जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 93 अब तक हम स्वाइन फ्लू की जांच के लिए 93 सैंपल भेज चुके हैं एनसीडीसी, जिसमें से हमारे पास 63 केस की रिपोर्ट आ चुकी है। 63 केसों में 26 केस हमारे यहाँ के जिला गौतम बुद्ध नगर के और 6 केस अदर डिस्ट्रिक्ट के पड़े पाए। उधर बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में भी स्वाइन फ्लू की चर्चा हर ओर है। और यही नहीं, गोरखपुर में 2 मामले सामने आए थे जिनमें से एक मरीज की मौत हो गई जबकि एक का इलाज गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। वहीं जिला अस्पताल में बने स्वाइन फ्लू वार्ड पर ताला जड़ा हुआ है। तो गोरखपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर भी लगातार स्वाइन फ्लू की दस्तक से लोग दहशत में हैं। गोरखपुर में बने स्वाइन फ्लू वार्ड जो जिला अस्पताल में स्थापित स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है उसमें ताला लटका हुआ है। न ही वहाँ कोई कर्मचारी है और न ही कोई वहाँ देखरेख करने वाला। आखिर मरीज जाएंगे तो जाएंगे किसके पास? जिला चिकित्सा अधिकारी मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं आखिरकार क्यों उस वार्ड में ताला लटका हुआ है। सर, जो स्वाइन फ्लू वार्ड बनाया गया है आप लोगों द्वारा उसमें ताला लटका हुआ है, आखिर क्या? उसमें जब स्वाइन फ्लू का संभावित मरीज आएगा तभी वो ताला खोल के स्टाफ या अन्य कोई लोग रहेंगे, इसलिए उसको बंद किया गया है। उसको सुरक्षा के दृष्टि से कि कोई अन्य लोग न जाएं या कोई गंदा न करे उसको। खुला होता तो कम से कम किसी नहीं खोल के नहीं खोलने से नहीं, वो तो डॉक्टर स्वाइन फ्लू का डायग्नोसिस या डिसीजन डॉक्टर करेगा कि इसे एडमिट करना है कि नहीं, तब उसको खोल के फिर एडमिट किया जाएगा। वो जनरल वार्ड तो है नहीं, खुला रखा छोड़ देंगे हम। सर अभी तक कितने मरीज गोरखपुर में पाए गए क्या? गोरखपुर में संभावित केस 2 मिले हैं। एक तो बहुत सीरियस था, वो एक्सपायर किया, मेडिकल कॉलेज में मिले हैं, हमारे जिला अस्पताल में नहीं आया वो, तो एक एक्सपायर कर गया, एक की हालत ठीक है। तो सर क्या उसकी जाँच के लिए यहाँ लैब वगैरह? नहीं, वहाँ इसकी जाँच SGPGI लखनऊ में की जाती है, यहाँ सैंपल भेजे जाते हैं। अभी आपने देखा कि CMO साहब का कहना है कि यहाँ पर जांच की सुविधा नहीं है, जांच के लिए PGI के लिए भेजा जाता है। यही नहीं, मरीज न होने के कारण उस वार्ड में ताला लगाया गया है कि वह सुरक्षित रखा जाए। हरेंद्र दुबे, समाचार प्लस, गोरखपुर।
उधर अगर बात हापुड़ की जाए तो यहां पर स्वाइन फ्लू के 5 मामले सामने आ चुके हैं और स्वाइन फ्लू के ग्रसित एक महिला की मौत भी हो चुकी है। यहां अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के जो इंतजाम हैं स्वाइन फ्लू से निपटने के वो नाकाफी साबित हो रहे हैं और प्रशासन जो दावे कर रहा था वो दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं। यहां स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम हैं इसका रियलिटी चेक किया समाचार प्लस के संवाददाता ने। हापुड़ जिले के अंदर स्वाइन फ्लू के 4 मामले आ चुके हैं और एक महिला की मौत हो चुकी है। तो वहीं प्रदेश सरकार कह रही है कि स्वाइन फ्लू के मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। उनके खोखले दावे आज साबित हापुड़ में होते हैं। स्वाइन फ्लू के चंद लोगों की बीमारी के यहाँ पे स्वाइन फ्लू की टेनिक दवाई जिसको बोलते रखी है, बाकी यहाँ इंतजाम दिवसीय खाली बेड के अलावा कुछ नहीं है क्योंकि हापुड़ के अंदर लेबोरेटरीज नहीं है, किसी प्रकार की रक्त की जांच नहीं हो सकती है। यदि किसी में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए जाते हैं तो उसको रेफर कर दिया जाता है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हापुड़ स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ खाली बेड बनाकर रखे हैं। ये बेड इसलिए बनाएंगे अगर किसी को स्वाइन फ्लू की दिक्कत या उसमें लक्षण मिलते हैं तो इन्हीं बेडों पर इलाज किया जाएगा। लेकिन इलाज कहाँ से होगा, वो दवाई जब हापुड़ सीएससी केंद्र पर नहीं होगी तो ऐसे मरीजों का क्या हाल होगा। और प्रदेश सरकार बराबर दावा कर रही है कि मुफ्त में इलाज किया जाएगा, तो वही प्रदेश सरकार के दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं। हापुड़ स्वास्थ्य केंद्र के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हापुड़ स्वास्थ्य केंद्र के अंदर हापुड़ जिले के अंदर चंद मरीजों के लिए टेंट फ्लू की दवाई है, बाकी इसके अलावा दवाई भी नहीं है। हापुड़ के श्यामो साहब का कहना है कि लखनऊ से दवाई मांगी जा रही है लेकिन उनको दवाई नहीं मिल रही है। कैमरामैन निशान के साथ मोहम्मद शाही, समाचार प्लस हापुड़। उधर वाराणसी के मंडलीय हॉस्पिटल का रियलिटी चेक करने पहुंची समाचार प्लस की टीम ने पाया कि हॉस्पिटल में अलग से वार्ड तो बनाया गया है लेकिन इस खतरनाक बीमारी से निपटने के लिए डॉक्टर की कोई टीम नहीं बनाई गई है। ये वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वार्ड है लेकिन डॉक्टरों की टीम नहीं है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वाइन फ्लू से अगर कोई ग्रसित यहां पर पहुंचता है तो उसका इलाज कैसे होगा। इसके लिए अलग एक आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है और स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दी गई है और सारी जांच की व्यवस्था और आवश्यक सारी उपलब्ध है सरकार की ओर से। और अगर मरीज कोई इस तरह का निकलता है तो उसके इलाज कर। कितने लोगों की व्यवस्था की गई और कितने डॉक्टर्स उसमें लगाए गए? इमरजेंसी में ही एक जो है आइसोलेशन वार्ड कर दिया गया है और डॉक्टर्स फिजिशियन डॉक्टर्स हैं हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, सबकी ड्यूटी लगी है उसमें। पैरामेडिकल स्टाफ है जो उनकी सेवा में उपलब्ध है। इस समय हम वाराणसी के मंडलीय हॉस्पिटल में हैं और जिस तरह से स्वाइन फ्लू ने वाराणसी में भी दस्तक दे चुकी है उससे आइए हम जानते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू से लड़ने के लिए। हमारे यहाँ पूरी तैयारी है, आइसोलेशन वार्ड है और जो भी उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है हम करते हैं। सीएमओ के यहाँ से हमारे कर्मचारी आते हैं, वो सैंपल लेते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से स्वाइन फ्लू लगातार अपने पैर पसार रहा है लेकिन प्रशासन के जो दावे हैं वो खोखले ही साबित हो रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं राजधानी लखनऊ। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमितेश श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं सीधे। अमितेश, लगातार स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और हम भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं सरकार को कि किस तरीके से जो दावे वो कर रहे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। उसके बाद आज का रियलिटी चेक हैरान करने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, लगातार जो दावे हैं वो खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। हालांकि आज जेपी नड्डा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो खुद आज लखनऊ पहुंचे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, एक घंटे तकरीबन बातचीत चली। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद ही आश्वासन भी दिया उन्हें कि यहां पर इंतजाम माकूल है पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और जो स्वाइन फ्लू की जो चादर पूरे सूबे को अपने चपेट में ले रही है धीरे धीरे उससे लड़ने के लिए यहां पूरी तरह पुख्ता इंतजाम है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इन इंतजामों का इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है और यही बड़ी वजह बन रही है कि आज राजधानी लखनऊ में 3 मौतें हो चुकी हैं अब तक का जो आंकड़ा सामने आया है। 18 और मामले आज 24 घंटे में सामने आ चुके हैं, 120 से ज्यादा मामले हैं। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो पूरे सूबे की क्या हालत होगी वो अपने आप में जान पड़ती है। बिल्कुल, सूबे की क्या हालत होगी वो अपने आप में जान पड़ती है जब राजधानी लखनऊ का ये हाल है। ऐसे में अब सवाल अभिषेक ये भी उठता है कि आखिर कहां है स्वास्थ्य मंत्री, जो दावे लगातार प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं
वो दावे तो खोखले साबित हो रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री को आगे आना चाहिए और देखना चाहिए कि जो दावे वो हवा हवाई कर रहे हैं उनकी हकीकत क्या है। यहाँ इस दावों में कहीं ना कहीं जो पोल है वो भी खुलती नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की पोल कहीं ना कहीं इन सारे जो इंतजाम है इसको कराने में, इसको एग्जीक्यूट कराने में फीके पड़ रहे हैं इंतजाम। क्योंकि सीधे तौर पर कहा जाए तो आज जिस तरह की बैठक हुई, खुद स्वास्थ्य मंत्री यहां पहुंचे थे, एक घंटे की मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बातचीत हुई उनकी, वहां पर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी प्रमुख सचिव की बात की जाए, खुद स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए, वो खुद मौजूद थे। उन्होंने ना सिर्फ स्वाइन फ्लू के बारे में बात की बल्कि हाथी पांव एक बीमारी है उसके बारे में बताया कि तकरीबन 51 जिले हैं जो इससे ग्रसित हैं, उसके लिए भी इंतजाम किए जाने चाहिए। तो सीधे तौर पर वो खुद चिंतित हैं और इतना बड़ा मामला सामने आ चुका है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को राजधानी लखनऊ पहुंचना पड़ गया, उसके बावजूद भी अभी तक स्टॉकिंग की, जो स्वाइन फ्लू की जो दवाइयां हैं, जो वैक्सीन है, उसके स्टॉकिंग की बात सामने आ रही है, अंदरूनी तौर पर ही बात सामने आ रही है। आज प्रमुख सचिव जो स्वास्थ्य है उनसे भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि चिन्हित किया जा रहा है, जो लोग भी स्टॉकिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बड़ी वजह बन रही है कि स्वाइन फ्लू की जो वैक्सीन है वो स्टॉक की जा रही है, चाहे वो प्राइवेट केमिस्ट हो या फिर एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा हो। तो ये सारी जो गड़बड़ियां हैं इसको कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा, जो चूक देखी है प्रशासन की वो भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। क्योंकि हमने जो अभी रियलिटी चेक किया उसमें हमने देखा कि कहीं पर कई अस्पतालों में वार्ड्स तो बनाए गए लेकिन डॉक्टरों की टीम नहीं है, तो कहीं वार्ड नहीं है। ये तमाम चीजें भी कहीं ना कहीं सवाल उठाती है कि प्रशासन भी इसको लेकर पूरी तरह से गंभीर नहीं है। जी हाँ, समाचार प्लस पर भी शुरुआत से ही ये दिखाया जा रहा है, आज के रियलिटी चेक ने ये बात साफ कर दी है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी तरह से जो अनदेखी है उसने स्वाइन फ्लू को महामारी के रूप में अब ये देखने को मिल रही है। और कहा, ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि अगर शुरुआती दौर में ही जब स्वाइन फ्लू के इक्का दुक्का मामले सामने आ रहे थे तो आइसोलेशन में रखा जाता पेशेंट्स को, या उन्हें अलग से सुविधाएं दी जाती, या जो बाकी पेशेंट्स थे उनसे अलग रखा जाता, या जो हाईटेक सुविधाओं की बात करती है सरकार, हाईटेक सुविधाओं की बात करते हैं खुद स्वास्थ्य मंत्री, उनकी तरफ से ऐसे इंतजाम होते कि उन पेशेंट्स को जिनमें शुरुआती दौर में स्वाइन फ्लू के लक्षण देखे गए थे, पुष्टि हो गई थी कि स्वाइन फ्लू है, उन्हें तुरंत आइसोलेशन में रखा जाना चाहिए था। लेकिन तब इस ढुलमुल रवैये के ही चलते, और यही बड़ा कारण बना कि स्वाइन फ्लू इतनी भारी तादाद में सूबे में फैल चुकी है। खाली लखनऊ में ही बात की जाए तो 120 मामले हैं, पूरे सूबे में लगातार एक के बाद एक गिनती बढ़ती चली जा रही है। हालांकि ये देखना होगा किस तरह से काबू में किया जाता है, बल्कि जब केंद्र सरकार का आला मंत्री और खुद सूबे के मुख्यमंत्री दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी चूक है जिसकी वजह से ये बीमारी पूरे सूबे को धीरे धीरे अपनी चपेट में ले रही है। बिल्कुल, और उससे बड़ी बात यह कि अभी भी जो शासन है और प्रशासन है वो इसको गंभीरता से नहीं ले रहा। अभिषेक, आपने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, अभी तक अब आगे के लिए क्या कोई रणनीति बनी है या फिर अभी भी इसको हल्के में लेकर चला जा रहा है? यहाँ फिलहाल जो ज्यादातर मरीज हैं वो SGPGI लखनऊ के वहां पर मौजूद हैं, कुछ मरीज जो बाकी अस्पतालों में हैं, लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में हैं, उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। डॉक्टरों की स्पेशल टीम यहां पर लखनऊ में मौजूद है, WHO की टीम यहां पर कल सम्मेलन करके गई है जिनमें वैक्सीनेशन के बारे में बातचीत हुई है, बाहर से जो वैक्सीनेशन इम्पोर्ट कराने हैं उनके बारे में बातचीत हुई है, किस तरह से जो स्टॉकिंग है उसे रोका जाए, जो कुछ प्राइवेट केमिस्ट मिलकर कर रहे हैं स्वाइन फ्लू की जो वैक्सीन है उनको स्टॉकिंग कर रहे हैं उसको रोकने की कवायदें चल रही हैं। लेकिन यह देखना होगा कि कब तक इसे रोका जाता है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि अब अचानक से जो थपेड़े पड़े हैं केंद्र सरकार की तरफ से और मंत्री के खुद आने के बाद से ही अब स्वास्थ्य मंत्री भी एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना होगा, हालात बहुत बिगड़ सकते हैं अभिषेक, हालात और भी ज्यादा चिंताजनक हो सकते हैं क्योंकि अकेले यूपी में 125 मामले सामने आ चुके हैं जबकि कई मौतें भी हो चुकी हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। तो लगातार जो स्वाइन फ्लू है वो अपने पैर पसार रहा है और लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। यूपी में दिन प्रतिदिन स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बरेली में पहले ही स्वाइन फ्लू से एक महिला की मौत हो चुकी है। जिला अस्पताल में लगातार स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है।
उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के जिला अस्पताल में। यहाँ पर रियलिटी चेक करने आए हैं कि आखिर यहाँ पर स्वाइन फ्लू के क्या इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं ये क्राइसिस वार्ड है जो स्वाइन फ्लू के लिए बनाया गया है, और यहाँ भी स्वाइन फ्लू के जो पेशेंट है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं एक महिला यहाँ पर एडमिट है, इसके अलावा एक बच्चा भी यहाँ पर एडमिट है। तो स्वाइन फ्लू का लगातार जो कहर है वो बढ़ता ही जा रहा है। शाहजहांपुर की डीएम को भी स्वाइन फ्लू हो गया है। इसके अलावा एक महिला की पहले यहाँ पे मौत हो चुकी है। हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या हुआ आपके बेटे? मेरे बेटे का कल हल्का सा सीने में दर्द था। हम लोग दिल्ली गए हुए थे, वहां से लौट रहे थे, तब रास्ते में उसके सीने में दर्द उठा, लेकिन रात आते आते 1 बज गया। तब डॉक्टर को नहीं दिखा पाया, जो घर में मेडिसिन थी वही दी। सुबह जो है उसे वहाँ डॉक्टर अजय खन्ना के लेके गए, तब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के लिए रेफर किया। अब यहाँ पे अभी ब्लड टेस्ट के लिए देंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि बेटा कैसा है। लगातार जो स्वाइन फ्लू है वो अपना कहर बढ़ाता जा रहा है। लोग काफी दहशत में हैं कि किस तरीके से स्वाइन फ्लू ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। कैमरा पर्सन अंकित पाठक के साथ अनुप कुमार मिश्रा, बरेली समाचार प्लस। राजस्थान गुजरात के बाद यूपी में मौत बांटने लगा है स्वाइन फ्लू। कहां है सूबे के स्वास्थ्य मंत्री, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री कृपया ध्यान दे, पैर पसार रहा है मौत का वायरस। मौत के वायरस पर कैसे लगेगी लगाम, सबसे बड़े सूबे पर मंडरा रहा है सबसे बड़ा खतरा। यूपी में अब तक 163 लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में है, कई लोगों की जान ले चुका है मौत का ये वायरस। बरेली से बलिया तक स्वाइन फ्लू का खौफ लगातार बना हुआ है। गाजियाबाद से गाजीपुर तक स्वाइन फ्लू से हाहाकार मचा है। ललितपुर से लखीमपुर तक स्वाइन फ्लू की दहशत बनी हुई है। शाहजहांपुर और गाजियाबाद के डीएम को भी स्वाइन फ्लू हुआ है। उन्नाव के एसपी की पत्नी को भी हुआ है स्वाइन फ्लू। महामारी बन चुका है ये स्वाइन फ्लू, शहर शहर स्वाइन फ्लू का सितम देखने को मिल रहा है। गुजरात में भी स्वाइन फ्लू से मचा है कोहराम, तो वहीं गुजरात हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, सरकार इसे क्यों नहीं घोषित करती महामारी। गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणी से क्यों सबक नहीं लेती यूपी सरकार, सबसे बड़े सूबे पर मंडरा सकता है सबसे बड़ा खतरा, सरकार इसे क्यों नहीं घोषित करती महामारी, ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है। तो लगातार जो हालात है वो चिंताजनक बने हुए हैं। राजस्थान और गुजरात के बाद अब यूपी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अभिषेक लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, सवाल ये खड़ा होता है कि जब 165 मामले सामने आ चुके हैं स्वाइन फ्लू के उत्तर प्रदेश में, तो आखिरकार सरकार इसे महामारी घोषित क्यों नहीं करती, क्योंकि हमने देखा कि गुजरात में जिस तरीके से स्वाइन फ्लू से हालात बिगड़ते नजर आए उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, सरकार को कहा कि इसे महामारी क्यों नहीं घोषित किया जाता। जी हाँ बिल्कुल, यही बड़ी वजह है कि सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुई है, और स्वास्थ्य मंत्री की खास तौर पर बात की जाए तो वो अभी तक कहीं भी फ्रंट में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि जो बुरे इंतजाम हुए हैं, जो बद इंतजामियत हुई है शुरुआत में और जिसकी वजह से ये बीमारी महामारी के रूप में फैलती नजर आ रही है, ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर सरदर्दी का आलम न बन जाए, और यही बड़ा कारण है कि अब तक वो सामने नहीं आए हैं। ये कहना कहीं से गलत नहीं है कि ये बीमारी महामारी का रूप लेती जा रही है, और कोर्ट के दरवाजे भी कई लोग खटखटा सकते हैं, लेकिन ये देखना होगा कि सरकार और जो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इसको रोकने के लिए किस तरह के प्रभावी कदम उठाते हैं। हालांकि एक्टिव टीम्स बनाई गई हैं डॉक्टरों की, बाहर से डॉक्टर्स बुलाए गए हैं, स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं, WHO के जो आला अधिकारी हैं जो यहां पर उत्तर प्रदेश में लगातार काम कर रहे हैं उनकी कल अहम बैठक थी, वहां से जो स्पेशल टीम्स हैं, जो वैक्सीनेशन टीम्स हैं जो बाहर के देशों में भी काम करती हैं, उन्हें भी इस पूरे मामले के लिए लगाया जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि ये छोटी बात जब इतनी बड़ी हो गई, जब शुरुआत में इक्का दुक्का मामले थे तब ध्यान क्यों नहीं दिया गया, अगर ध्यान देती सरकार तो हालात यहां तक नहीं पहुंचती। और अब सवाल ये भी बना हुआ है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन हालात अब तक तो जस के तस बने हुए हैं, आगे कितना सुधार होगा इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो प्रदेश में स्वाइन फ्लू के लगातार बढ़ते मामलों से सीतापुर में हड़कंप मच गया है। यहां अब तक स्वाइन फ्लू के 3 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य महकमा स्वाइन फ्लू के से निपटने के दावे तो कर रहा है, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, देखिए सीतापुर से स्वाइन फ्लू पर ये रियलिटी चेक।
सर साहब ये बताइए स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए अपने जिले में क्या तैयारियां हैं, क्या मतलब मुकम्मल तैयारियां हमारे पास हैं, उससे पूरी तरह से निपट सकते हैं? हाँ जी, स्वाइन फ्लू के बारे में एक तो ये है कि जनता में जागरूकता फैलाई जाए कि ये बीमारी, इससे बहुत घबराने की बात नहीं है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस लेना इसमें जरूरी है। जैसे 3 केस रिपोर्ट हुए हैं जो पीजीआई में भर्ती थे, तो 3 पॉजिटिव केस सीतापुर जिले से भी रिपोर्ट हुए हैं। मरीज जिसको लगता है कि हाँ उसमें उसमें ये इस तरह की परेशानी लग रही है उसको, कि कोई बुखार से भी ज्यादा तेज कोई उसको प्रॉब्लम लग रही है, ऐसे में हमारे यहाँ क्या संसाधन है जो उसको डायग्नोज कर सकेंगे कि हाँ उसको स्वाइन फ्लू है? ऐसे मरीजों को जिनमें कि उनको शंका होती है तो वो निकट के चिकित्सक, सरकारी चिकित्सक को दिखावें, और हमारे जिला अस्पताल, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो जिला अस्पताल में आवें। जिला अस्पताल में यहाँ हमारा आइसोलेशन वार्ड एक अलग इसके लिए सुरक्षित रखा गया है कि अगर कोई गंभीर मरीज स्वाइन फ्लू से लगता है पीड़ित, तो उसको हम भर्ती करेंगे और उसका इन्वेस्टिगेशन, उसकी जाँच, नेजोफेरिंजियल स्वाब लेकर के इसको भेजेंगे KGMC KGMU या उसमें SGPGI में, जहाँ उसकी जाँच की सुविधा है। सीतापुर का जिला स्वास्थ्य महकमा भी हरकत में आया है और उसने भी इस तरह के मरीजों के पाए जाने पर आइसोलेशन वार्ड में उनके लिए इंतजाम किया। इसी आइसोलेशन वार्ड में उन मरीजों को रखा जाएगा जहां पर वो अन्य मरीजों से दूर रहेंगे, जिसकी वजह से और दूसरे मरीजों में वो जो स्वाइन फ्लू की बीमारी है दूसरे मरीजों में नहीं पहुंच पाएगी, और इसी वार्ड में उन मरीजों को रखने का प्रबंध जिला स्वास्थ्य प्रशासन की तरफ से किया गया है। सीतापुर से समाचार प्लस के लिए मोहम्मद रिजवान। तो स्वाइन फ्लू से हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक केस बढ़ता जा रहा है। हम तो यही कहेंगे कि सरकार कम से कम अब तो जागो, कहीं ऐसा ना हो कि और लोगों की जान पर भी स्वाइन फ्लू कहर ना बरसा दे। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।